राम 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 राम। सुरक्षित है मेरा हनुमान, ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर राम दूत अतुलित बल घोर संकट टल गया। पुत्र पवन सुत नामा राम भक्त हनुमान की, राम भक्त हनुमान की जय कपी सती लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती। राम बाण के प्रहार को कैसे सहन कर लिया इन दोनों ने, कुछ भी हो श्री राम को अपना वचन पूर्ण करना ही होगा। राम 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 राजा राम अपना वचन निभाइए, ये बाण विफल हुआ तो दूसरा बाण चलाइए। जो आज्ञा गुरुदेव। दिव्य कवच ने पुनः रक्षा कर ली हनुमान और काशीराज की, धन्य है हनुमान। राम अपने और शक्तिशाली बाणों का प्रयोग कीजिए, मेरे दोषी काशीराज और हनुमान को और दंडित कीजिए। राम वरुणास्त्र। राम राम नाम की शक्ति को शिथिल नहीं पड़ने दूंगा और प्रचंड जाप करूंगा। राम 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 राम। प्रभु के मात्र नाम से ही मेरी समस्त दुविधाएं मिट जाती हैं। राम राम। क्रोध गुरु जोई बढ़ जाए, सोई तीर श्री राम चढ़ाए। अस्त्र विभिन्न राघव प्रयोगा, किंतु कपी तक एक न पहुँचा। बाबली हनुमत की रुचि कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 बाबली हनुमान। हनुमान श्री राम के बाणों को रोकने के लिए तुम अवश्य किसी माया शक्ति का प्रयोग कर रहे हो। राम राम।
इस दिव्य कवच के कण कण में लिखा है राम, अर्थात अर्थात माया से नहीं, राम नाम की महिमा से सुरक्षित हैं हनुमान और काशीराज। राम सत्य अद्भुत है राम नाम की महिमा। मेरे बाणों की शक्ति से तुम्हारी भक्ति की शक्ति कहीं अधिक है हनुमान, कहीं अधिक है। गुरु है, आपको दिए हुए वचन की मर्यादा रखने के लिए मैंने अपने भक्तों पर भी बाणों के वार किए, किंतु उनकी भक्ति से वो बाण अशक्त हो गए। मैं आपको दिया हुआ अपना वचन नहीं निभा सका, उसके दंड स्वरूप इस खड़क से मेरे शीश को काटकर मुझे मृत्यु दंड दीजिए। क्योंकि मैं अपने भक्तों पर और प्रहार नहीं कर सकता गुरुदेव। ये क्या कर रहे हैं प्रभु, अपने प्राण देने के लिए प्रस्तुत हो गए हैं। मेरे राजा राम, रघुकुल दीपक राम, मेरे शिष्य राम, आपकी कर्तव्य निष्ठा और काशीराज की भक्ति से मैं मंत्रमुग्ध हो गया। मेरा क्रोध अब शांत हो गया है, इसलिए अब मैं तुम्हें अपने वचन के बंधन से मुक्त करता हूं राम। महर्षि विश्वामित्र की जय। प्रभु श्री राम की जय। प्रभु श्री राम की जय। प्रभु श्री राम की जय। राम भक्त हनुमान की जय। संकट मोचन महाबली हनुमान की जय। प्रणिपात महादेव। प्रणाम भोले बाबा। प्रणाम महादेव। प्रणाम माता। श्री राम, ये लीला देवी पार्वती ने माया और गुरु विश्वामित्र के सहयोग से रची थी। मुझे विशेष उद्देश्य के लिए हनुमान को लेकर जाना ही होगा। एक भ्रामक शक्ति देवी पार्वती के विभिन्न रूपों में से एक। दंड नहीं राम, मुझे उसका शीश चाहिए राम। मैं आपको वचन देता हूँ, शीघ्र ही उसका शीश आपके चरणों में होगा। हनुमान आपकी रक्षा स्वयं करेगा। आप श्री राम का बाण बड़ा है या श्री राम का नाम, इसको लेकर देवी पार्वती और मुझ में एक असहमति थी, जिसको मिटाने के लिए ये लीला रची गई थी। अब तो आप स्वीकार करती हैं ना देवी, कि श्री राम के बाण से अधिक
श्री राम के नाम की महिमा है। हाँ स्वामी, सत्य कहा था आपने। आज संपूर्ण संसार के समस्त ये प्रमाणित हो गया कि भक्ति की शक्ति भगवान की शक्ति से भी अधिक होती है। इसलिए राम बाण से भी बड़ा है राम का नाम। हनुमान, तुम्हारी भक्ति का ये प्रसंग आने वाले समय में भी संसार को ये स्मरण कराता रहेगा कि विपदा कैसी भी हो, उसे दूर करने के लिए राम नाम में निष्ठा ही पर्याप्त है। भविष्य में द्वापर और कलयुग में राम नाम ही मनुष्यों की रक्षा करेगा। श्री राम का नाम ही दुखियारों का सहारा बनेगा और सभी को भव सागर पार कराएगा। प्रकट भये शिव दिया शीशा, जग स्मृत रखे भक्ति कपीशा। कलयुग उपयोगी नामा, वो ही सुखी जो भजे श्री रामा। सो कहीं प्रस्थान मां शंकर, सीता मुदित वृतांत को सुनकर। इतुर राम लगे हनुमाना, उत गुरु नृप को क्षमा की प्रदाना। हनुमान, तुमने अपने प्राणों की चिंता किए बिना भक्त काशीराज के जीवन की रक्षा की। पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से मेरा नाम जपते रहे, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, जो भी तुम्हारा नाम भजेगा उसका भजन सीधे मुझ तक पहुंचेगा और उसे मेरी कृपा प्राप्त होगी। मेरे प्रति आपकी अटूट भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं काशीराज जी, और आपको वरदान देना चाहता हूं। प्रभु, जिस प्रकार मैं आपके और आपके भक्त हनुमान के मध्य आया और इस लीला से जगत के सामने भक्ति की महिमा उजागर हुई, मेरे लिए तो यही मेरी भक्ति का वरदान है। प्रभु, मैं कृतार्थ हुआ। हनुमान जी, आपने मुझे शरण दी, मुझे श्री राम की भक्ति की शक्ति का अनुभव कराया, उसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। मैं भी आपका आभारी हूं काशीराज जी। आप जैसे राम भक्त का सानिध्य पाकर मैं धन्य हो गया। हनुमान, काशीराज जी, आप दोनों ने मेरे नाम को भक्ति की शक्ति दी है। आप जैसे भक्तों के कारण ही राम राज्य स्थापित रहेगा। प्रभु श्री राम की जय। प्रभु श्री राम की जय।
राक्षस साम्राज्य को पुनः स्थापित करने की चेष्टा में मेरे पुत्र का अंत हो गया और मैं उसकी अभागिन माँ जीकर क्या करूंगी। रक्त रूम रोम माता जिस स्थान पर देवता भी पहुंचने का सामर्थ्य नहीं रखते वहां सागर की गहराइयों के बीच बसा मेरा साम्राज्य नष्ट हो चुका है। अपने और माता इस रक्त रोम ने अपने नेत्रों के समक्ष समस्त राज्य को नष्ट होते हुए देखा है और मैंने अपने पुत्र का अंत होते हुए देखा है। तुम का अंत हो गया। मैं तो उससे सहायता की गुहार लगाने आया। राक्षसों का सहायक उनका संरक्षक मेरा पुत्र अब नहीं रहा और हम दोनों के दुर्भाग्य का एक ही कारण है राम और उसका वो सेवक हनुमान। हनुमान, हनुमान, हनुमान। जिसके लिए वो पाशुपतास्त्र चला था। जय श्री राम। स्वामी अपने उस भक्त के साथ लौट आए हैं जो सदैव उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरा है। तुम राक्षसों की अपेक्षाओं पे खरे उतर सकते हो, उनका अंतिम आसरा बन सकते हो रक्तरोम। ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार जब ये वज्र ज्वाला आत्मदाह करेगी तो अपार शक्ति का उत्सर्ग होगा जिसे प्राप्त कर तुम अत्यंत शक्तिशाली बन जाओगे और मेरे अंतिम शब्द तुम्हारे प्राण सुरक्षित करेंगे। माता, माता, माता। मैं वज्र ज्वाला तुम्हें अपनी राक्षसी शक्तियां प्रदान करती हूँ रक्तरोम और वरदान देती हूँ कि अब से तुम्हारे प्राण तुम्हारी परछाई में सुरक्षित रहेंगे। Thank you.
अब देखता हूं मैं इस रक्त रोम की अपार शक्ति के समक्ष कैसे टिकता है और राम भक्त हनुमान। स्वान, हनुमान की भक्ति ने आपकी और हनुमान दोनों की मर्यादा का मान रखते हुए आज आपके एक और बड़े भक्त काशीराज के जीवन की भी रक्षा कर ली। इसलिए पुत्र हनुमान, आज मैं तुम्हें सबसे बड़े भक्त की उपाधि देती हूं। मेरे और समस्त राक्षसों के सबसे बड़े शत्रु हैं हनुमान और उसका वो भगवान राम। संसार में जब भी भक्ति के उदाहरण की चर्चा होगी, पुत्र हनुमान, तुम्हारा ही नाम लिया जाएगा। अब से केवल रक्त रोम का ही नाम लिया जाएगा राक्षसों में। अब से केवल मेरा ही नाम राक्षसों के उत्थान का कारण बनेगा। रक्त रोम राक्षस माता वज्र ज्वाला के महाबलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। और जब तक समस्त राक्षस साम्राज्य की पुनर्स्थापना नहीं हो जाती, तब तक किसी के भी रोकने से नहीं रुकेगा ये रक्त रोम। व्यक्ति अपने सद्गुणों के कारण श्रेष्ठ और महान बनता है, ना कि दुर्गुणों के कारण।